सुंदर कोकण में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद, मैं मुबीन। साथियों, आज मैंने एक वीडियो बनाया है, वो उसमें मैंने दिखाया है 12 एकड़ प्लॉट है और उसको लग के फिर एक 8 एकड़ है, फिर 3 एकड़ है, ऐसा मैंने टोटल प्लॉट दिखाया आपको। तो वीडियो में आप लोग देखें, उसके बाद में मेरा नंबर वगैरह है, आप मुझे कॉल करें। उसका रेट का जो भी डिस्कशन है वो फ़ोन पर भी आप कर सकते हो, उसमें भी मैंने बोला है वीडियो में भी। तो यहाँ से महाड़ से जो है वो साइड 30 किलोमीटर है, और मैंने उसमें वीडियो में बताया भी है कि गोवा हाईवे से 23 किलोमीटर पाचाड़ है, फिर पाचाड़ से 7 किलोमीटर साइड है। आप अगर मुंबई से आते हैं तो मानगांव से आओगे तो मानगांव से भी 20 किलोमीटर पे आप साइड पे आ जाओगे, मतलब आपको महाड़ आने की ज़रूरत नहीं है। या अगर आप पुणे से आ रहे हो तामानी मार्ग, तो आप निज़ामपुर से लेफ्ट कर दीजिए, 18 किलोमीटर पर आप साइड पर पहुँच जाओगे। तो पुणे वालों के लिए भी नज़दीक है, मुंबई वालों के लिए भी नज़दीक है। रेट सस्ता प्लॉट है, लो बजट में है, तो आप लोग देखें और जो है उसका क्या रिज़ल्ट होता है वो मुझे कॉल करें। अगर कोई इंटरेस्टेड है, विज़िट करना चाहता है, तो मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो में आप बने रहें। साथियों, अभी हम इस वक्त पाचाड़ में हैं और महाड़ से 23 किलोमीटर हम आए हैं, यहाँ से 7 किलोमीटर साइड है। तो अब यहाँ से हम आगे से लेफ्ट लेंगे, देखिए मेरे पीछे से बस जा रही है। तो यहाँ से रायगढ़ फोर्ट जो है वो 2 किलोमीटर है, और साइड जिस जो वीडियो जिसका बनाया है हमने वो 7 किलोमीटर है। तो अभी मैं खिंडी, मतलब रायगढ़ खिंडी पर पहुँचने पर भी मैं आपसे रूबरू होऊँगा और फिर हम बात करेंगे, ठीक है। तो साथियों, फाइनली हम जगह पे पहुंच गए हैं इस वक्त, और आप लोगों को मैं अभी जगह के अंदर ले जाऊंगा। उससे पहले जो रास्ता बोला था मैं कि इसमें रास्ता बनाना होगा, तो आप लोग देख लीजिए, ये रोड यहाँ से आया, ये एक खेत है, इसके बाद नदी है, तुरंत जगह है। तो ये लगभग 100 मीटर आपको रास्ते का काम करना पड़ेगा, क्योंकि रेट काफ़ी लो है, तो उतना तो अफोर्ड कर ही सकते हो। ये देखिए, ये इतने से आपको रास्ता लेके आना, ये देखिए, इसमें असल जो खर्चा है वो ये नदी के ऊपर जो ब्रिज टाइप बनाना है ना, वो मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि कम से कम 5-1 लाख रुपया तो भी लगेगा। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को ये ना लगे कि भाई, और ये मतलब पहाड़ी नदी है, बरसाती नदी है, बारिश में सिर्फ इसमें पानी बहता है, बाकी दिनों में खुला रहता है। तो उस हिसाब से आपको ये JCB से रास्ता सब क्लियर हो जाएगा, यहाँ तक का कोई इशू नहीं। मेन इशू जो है वो ये नदी के अंदर, ठीक है। तो ये देखिए, ये देखिए, ये हम लोग नदी में हैं, रोड से नदी का ये लग आपको मैंने बताया ना 100 मीटर, ये 100 मीटर, और ये नदी का जो फाट है दोनों, ये है समझ लीजिए आप 200 फीट, यानी लगभग 30 मीटर। अब इसमें आपने जो है वो बनाएंगे आप तो एक छोटा सा ब्रिज टाइप, लाइट ब्रिज जो बनता है ना, गाड़ी जो लाइट गाड़ियाँ आ जाएँ, वो इस तरह से आपको बनाना होगा। अब ब्रिज की हाइट देनी होगी मिनिमम 7-8 फुट, ये इस नीचे से 8 फुट। तो ये सारा चीज़ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि भाई ज़मीन कैसी है और काम क्या करना।
साथियों, ये अब जगह हमारी हो गई शुरू। यहाँ से मैं आप लोगों को अब पूरी जगह दिखाऊंगा कैसे है। ये देखो, यह ऐसी जगह है। ये पहला एक 7-12 है, ये 12 एकड़ का है, और फिर इसी को लग के एक और 7-12 है, वो 8 एकड़ है, तो टोटल 20 एकड़, फिर 3 एकड़, मतलब 25 एकड़ यहाँ पे आप आराम से रहेगा। तो जगह पूरा टेबल है, मैं दिखा दूँ आप लोगों को। इस तरफ जाना था कि तो ऐसे पूरा ना, ये देखिए, ये इस तरह से ऐसी जगह है। रास्ता जो है बनाना अगर है तो उसके लिए जमीन खरीदना नहीं पड़ेगा, वो उसी में आपको मैनेज हो जाएगा उसी रेट में, बाकी जो है वो बनाने का खर्चा आपका होगा। रेट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आजकल देखिए हर जगह ज़मीनों का जो रेट है, ये प्राइवेट गाड़ी वगैरह जाती है यहाँ से। ये मैं आप लोगों को ऐसे दिखा दूँ कि देखिए, ये गाड़ियाँ ऐसे नदी में से निकल के सीधे चले जाती। तो ये ऐसे रास्ता आया, देखिए गवन टाइप। तो आप लोगों को बताने का मकसद, काफ़ी दिनों से इसलिए ये 12 एकड़ चल रहा था, लेकिन मैंने इसका वीडियो नहीं बनाया था, टाइम नहीं मिल पाया था मुझे। तो अभी बहुत सारी रिक्वायरमेंट थी कि भाई इसका वीडियो जो है वो भेज दीजिए, तो मैंने कहा बना के अपलोड कर देते हैं, सारे लोग देख लेंगे। तो इस तरह से ऐसे ही जंगल टाइप ज़मीन है पूर्ण, तो जिस किसी को इसमें इंटरेस्ट हो तो बराए मेहरबानी मुझे कॉल करें, मेरा नंबर स्क्रीन पर होता है, आप लोग देख रहे होंगे। और दूसरी बात यह है कि सुबह जल्दी आया हूँ, एक्चुअली कल भी मैं इसके लिए आया था, लेकिन मेरी गाड़ी रास्ते में थोड़ी ख़राब हो गई तो मुझे वापस जाना पड़ा। ये देखो, ये ऐसी ज़मीन है, पूरी मिट्टी है, मूवेबल है, जैसे आप चाहें इसको मूव कर सकते हैं। पानी की भी यहाँ पे किल्लत नहीं होगी, एक तो नदी का पानी आप रोक सकते हो, और दूसरी बात ये कि बोरिंग में भी यहाँ पानी मिलेगा, क्योंकि ये गुलर का पेड़ उम्बर बताते हैं, जहाँ उम्बर का पेड़ ज़्यादा होता है वहाँ पानी बहुत आयत में होता है। तो ये देखो, ये गवन तरीका ही है, अंदर से गाड़ियाँ कीटा वगैरह के लिए आती जाती है, मतलब रास्ता आप बना सकते हो। ये देखो, ये ऐसे साथियों, ज़मीन ज़्यादातर जो है वो प्लेन है, तो इसमें कोई अकेला लेना चाहे या कुछ लोग मिलकर लेना चाहें तो उस तरह आप ले सकते हैं। अंदर घूम के दिखाने का मेरा मकसद यही होता है कि ज़मीन पूरी तरह अच्छे से आप लोगों को मालूम हो जाए। ये देखिए, ये ऐसे रास्ता है, लोग आते जाते हैं अंदर। ये देखिए,
ऐसे ही इस रास्ते से आप पूरे जमीन में घूम सकते हो। देखो ये देखो, अब ये थोड़ा चढ़ा गया, ये देखो ये ऐसे थोड़ा चढ़ा गया, ये देखो ये ऐसे नदी के किनारे किनारे ऊपर की तरफ जगह है, तो मैंने सोचा आज पूरा आप लोगों को दिखा ही दूँ ताकि कोई दिक्कत ना रहे। बहुत से साथी मेरे हैं जो सस्ती ज़मीन चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो आगे चल के उनको फ़ायदे में रहे, तो उसके लिए ये बेहतरीन है। ये देखिए ये फिर ऐसे यहाँ आके सीधी हो जाती है। बाकी ये पेड़ ये देखो, ये देखिए साथियों, ये ऐसी जमीन है, अभी एक तरफ का हो गया, अभी दूसरी तरफ का मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये साथियों अभी मैंने उस मतलब आगे का पट्टा दिखाया, अब बैक साइड का दिखा रहा हूँ आप लोगों को मैं। ये देखो ये ऐसे है बैक साइड में, ये देखो साथियों ज़मीन पूरी मट्टी है, पत्थर नहीं है, इसके अंदर मूवेबल है। ये देखिए अगर रास्ता इसका बना होता ना तो कम से कम इस जगह की कीमत 4 लाख रुपए बताई जाती, सिर्फ रास्ता नहीं बना होने की वजह से इसकी कीमत कम है, और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो बढ़िया चीज़ है। बस खाली एक चीज़ देख लेना, ई सर्च वगैरह करके कि भाई इसके अंदर कोई इशू तो नहीं है, तो उतना वो मैं कर लूँगा सर्च। अगर ऐसा कुछ होगा तो आप लोगों को मैं सौदे से पहले ही उसके बारे में आगाह कर दूंगा, मतलब बता दूंगा कि भाई इसके अंदर कुछ इशू है। फिलहाल आप लोग वीडियो देखें और लाइक कर दो भाई फटाक से, एक क्या जाता है आपका पैसा तो लगना नहीं है, अंगूठा ही दबा देना, उसको टच कर देना उंगली। देखिए ये ज़मीन देखिए ऐसे है, ये दलदली भी नहीं है कि बारिश में यहाँ पानी भरा रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये देख लो ये ऐसे छोटा छोटा जो है खेत बना हुआ है, ये देख ये ऐसे छोटा छोटा खेत ऐसे बना हुआ है, देख रहे हैं आप लोग।
ये मतलब अंदर मैं इतना इसलिए आया हूँ दिखाने के लिए ताकि आप लोग जब यहाँ आओ ना विजिट के लिए तो आपको पूरी नवयत जगह की पता हो। फिलहाल ये पहला जो मैं अभी घूम रहा हूँ ये 12 एकड़ का 7-12 है, इसी को लग के फिर एक 8 एकड़ है, इसी को लग के फिर एक 3 एकड़ है। अब मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि आप लोग अगर सब एक साथ लेना चाहेंगे तो बढ़िया रेट में फिक्स हो जाएगा ये, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करें एक बार चाहिए तो विज़िट करें, विज़िट करने के बाद फैसला करें, क्योंकि उतना जो खर्चा आप करोगे वो वसूल है पैसा। जगह में कोई दिक्कत नहीं है साथियों, जगह बढ़िया है, पहाड़ी ज़मीनों में ऐसे ही मतलब कातल ना हो, रॉक ना हो, पूरा मट्टी हो तो मट्टी मूवेबल है, मट्टी को आप खसका सकते हो ऊपर नीचे। झाड़ भी काफ़ी कम मोटे मोटे, इसमें कीटा ही निकाल के बेच दिया जाएगा तो मेंटेनेंस का पैसा इशू वसूल हो जाएगा और रास्ता बनाने का खर्चा भी कुछ 25% तो निकल ही आएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखें वीडियो को और क्या कमेंट मुझे करिए, जगह के बारे में कुछ पूछना है तो पूछिए, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में मालूमात दे सकूं। ये देखिए ये देखो, ये देखो, मतलब कोई अगर ये समझ रहा हो कि भाई पूरा डोंगर है उभार, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ज़मीन टेबल है ना, 80% तो टेबल है ज़मीन। तो आप लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अच्छा ये किया है, और इसका ई सर्च रिपोर्ट सब कुछ आपको मिल जाएगा, ई सर्च करके जो भी 20-25 साल का जो भी रिकॉर्ड होगा कि भाई इसके ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट तो नहीं हुआ है या इसके ऊपर कोई गहन खत या क्या बोलते रहे बैंक का लोन तो नहीं है, ये सब मालूमात कर लेंगे तो आपके डील से पहले ये रिपोर्ट मैं दे दूंगा आप लोगों, ताकि जो है वो आप लोगों को डील करने में आसानी हो और आसानी से आप लोग ये डील कंप्लीट कर सकें। साथियों ये अंदर घूम के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, इस ये देखो, ये इस तरह से ऐसे, ये देखो, ये देखो, बारह एकड़ जमीन जो है आप लोगों को, ये 12 एकड़ जमीन में दिखा रहा हूँ, बाकी इसको लग के और भी सब ऐसे ही जमीन है। फिर थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो कुछ थोड़ी सी चढ़े, लेकिन आप ऐसे ज़मीन में चलते रहोगे, ऐसे चढ़ते रहोगे ना आप, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये ज़मीन ऐसे है इस तरह की, मेरा काम आप लोगों को बताना था, मैंने बताया, बाकी फैसला आप खुद करें। और तय करें कि आपने क्या करना है, ठीक। ये पूरा डिटेल यहाँ से मैंने वीडियो में बताने की कोशिश की है। महाड़ से आप लोगों को 30 किलोमीटर है, मानगांव से 20 किलोमीटर है, क्योंकि मानगांव से रोड आया है अपना पाचाड़ किले रायगढ़ फोर्ट के लिए, तो उसी रोड पे से आपको आना है 15 किलोमीटर और फिर 3 किलोमीटर अंदर नीचे उतर जाना है।
तो ये जमीन ऐसे है, ये देखो। बस अब इसमें इतना ही जो कर सकता था मैंने किया, जो बता सकता था मैंने बताया, बाकी आप लोग खुद आएं विज़िट करें। साथियों जब तक आप खुद देखोगे नहीं आपको इसका अंदाज़ा नहीं होगा, तो आप लोग आएं और इसको जो है वो वीडियो को अच्छे से देखें, लाइक और शेयर करें। सुंदर कोकण आपका शुक्रगुजार है आप लोगों का, जो आप लोगों के प्यार और मोहब्बत की वजह से जो है हमारा चैनल अभी इस वक्त मोनेटाइज हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग अब देख सकते हैं। तो आप लोग जो है बने रहें, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, जय महाराष्ट्र। हाँ ये देखिए पानी अभी भी ये बह रहा है, इसमें पानी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, अच्छा खासे स्पीड है पानी का, तो अगर इसको रोका जाए तो अच्छा खासा पानी जमा हो सकता है और जिससे आप सिंचाई वगैरह का काम कर सकते हो।